हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एच आर एजुकेशन दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा तो दोस्तों मैं लास्ट लेक्चर में जो एच आर एम का एच आर एम एंड एट फंक्शन का जो एम सी क्यू लाया था इस लेक्चर में उस एम सी क्यू सीरीज़ को थोड़ा आगे लेके जाऊँगा लास्ट वीडियो में मैं वहाँ पर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन डाला था और इस वीडियो में करीब ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी या फिर ट्वेंटी वन क्वेश्चन इस वीडियो में है ठीक है तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम रिलेटेड हैं एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं और आगे भी जो भी एग्जाम आपका आने वाला है वहाँ पे भी वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड टू एचआरएम एंड इट्स फंक्शंस तो ये जो लेक्चर है ये आपका यू जी सी नेट कोड फिफ्टी फाइव जो कि आपका लेबर वेलफेयर है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा साथ ही साथ जो कोई भी एच का जो भी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होता है देश भर में कोई पी हो गया या फिर और कोई भी इंडस्ट्री या फिर कंपनी हो गया उसका एच का जो भी रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है वहाँ पर भी ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए और अब अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो दोस्तों आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरा नाम है एस आर साहू और यह है मेरा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल और ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको जल्द से जल्द आप ज्वाइन कीजिए यहाँ पे मैं क्विज प्रोवाइड कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन भी बहुत ही जल्दी मिल जाता रहेगा तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज कल तो दोस्तों आज हम ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन से शुरू करेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में हम ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन किए थे तो आप ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन क्या है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ए फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर इनमें से कौन आपका फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर है तो ऑप्शन ए आपका हेनरी फायोल ऑप्शन बी जोसेफ जुरन ऑप्शन सी एल्टन मायो या फिर ऑप्शन डी हेनरी सिस्क तो यहाँ पे आपका फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे हेनरी फायोल तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म एक्टिविटीज एक्सेप्शनली वेल एंड गेनिंग एन एज ओवर राइवल्स वेन कंपीटिंग इज नोन एज इसका मतलब क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एबिलिटी है कि वो अच्छे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें साथ ही साथ अदर जो आपका राइवल्स या फिर कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनसे आगे निकल जाएं अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू तो इसको हम क्या बोलेंगे कोर कॉम्पिटेंसीज कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या फिर ऑर्गेनाइजनल इफेक्टिवनेस इसका आंसर आपका होगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसको हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये आपको याद रख लेना चाहिए ठीक है ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स आर तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स आपका किस तरह का डिपार्टमेंट है ऑथोरिटी डिपार्टमेंट लाइन डिपार्टमेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट या फिर सर्विस डिपार्टमेंट आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे कि आपका रिक्रूटमेंट से शुरू होके आपका रिटायरमेंट के दौरान उससे उसके बीच में बहुत सारे सर्विस ऑलमोस्ट सारे सर्विस यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में प्रोवाइड किए जाते हैं तो इसको इसलिए हम बोलते हैं सर्विस डिपार्टमेंट तो ऑप्शन डी आपका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन एक्टिविटीज दैट द फार्म परफॉर्म एस्पेसियली वेल वन कम्पेयर टू इट्स कम्पिटिटर्स तो यहां तक आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया और आगे क्या है आपका एंड थ्रू विच द फार्म आर्ट्स वैल्यू टू इट्स गुड्स एंड सर्विसेज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो ये एक्टिविटीज़ के थ्रू ये अपने गुड्स या फिर जो सर्विसेज हैं उसके साथ ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक वैल्यू एक स्पेशल वैल्यू ये ऐड कर देते हैं उसको हम क्या बोलेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ठीक है ये तो नहीं होगा आपका वैल्यू चेन या फिर कॉम्पिटेंसी या फिर कोर कॉम्पिटेंसी तो इसको हम बोलेंगे कोर कॉम्पिटेंस तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा कोर कॉम्पिटेंस कोर कॉम्पिटेंसी नहीं ये भी एक टर्म है आगे आकर हम जानेंगे जाकर तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज दैट सर्व एज ए सोर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज फॉर अ फार्म ओवर इट्स राइवल्स तो जिन जिन रिसोर्सेज या फिर जिन जिन कैपेबिलिटीज के थ्रू आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे कॉम्पिटेंसी वैल्यू चेन कोर कॉम्पिटेंसी या फिर एफिशिएंसी ठीक है तो पहले क्वेश्चन इससे पहले जो क्वेश्चन था इसमें आपका आंसर था कोर कॉम्पिटेंस पर यहाँ पे आपका आंसर है कोर कॉम्पिटेंसी तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है वो आप इस दो क्वेश्चन से जान सकते हैं ठीक है थीके? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अबिलिटी टू परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल एंड इंक्रीज द स्टॉक ऑफ टारगेटेड रिसोर्सेस यहां पे एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करने का एबिलिटी साथ ही साथ जो आपका टारगेट है उसको स्टॉक करने का भी एबिलिटी यहाँ पर होना चाहिए किसके पास विथ द फार्म फार्म के पास इस कॉल्ड प्रोडक्टिविटी एफिशियंसी इफेक्टिव और कॉम्पिटेंसी तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉम्पिटेंसी ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू अन इनविजिबल वैरियर दैट प्रिवेंट्स वुमेन एक इनविजिबल वैरियर जो कि अदृश्यमान है दिखता नहीं है पर वो प्रिवेंट करता है वोमेन को किससे फ्रॉम एडवांसिंग टू हायर लेवल्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपका हायर लेवल पोस्ट है या फिर हायर लेवल टॉप लेवल का जो भी आपका वैकेंसीज होता है उस तक जाने के लिए जो एक अदृश्य या फिर जो दिखता नहीं है एक बैरियर काम करता है एक बैरियर जो कि उसको प्रिवेंट करता है वोन एम्प्लॉई को स्पेशली फॉर वोमेन एम्प्लॉयज तो इसको हम क्या बोलेंगे प्लेटिव एम्प्लॉय ग्लास सीलिंग डाउन साइजिंग या फिर डेस्परेट ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ चुका है इसका हम आंसर है ग्लास सीलिंग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सिचुएशन दैट अराइज वन एम्प्लॉयज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ एज जेंडर एजुकेशन इज कॉल्ड जिस सिचुएशन में हम एम्प्लॉइ को देखेंगे कि वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से अपने आप से डिफर कर रहे हैं उस कैटेगरी से आपका एज या फिर जेंडर या फिर एजुकेशन या फिर और भी कोई भी कास्ट या फिर और भी कोई कैटेगरीज भी हो सकता है तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे डाइवर्सिटी ठीक है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी रिलेटेड है वेन एन एम्प्लॉयर ट्रीट्स पीपल डिफरेंटली और इवालुएट्स बाई डिफरेंट स्टैंडर्ड्स डिपेंडिंग ऑन देयर एज सेक्स रेस और अदर प्रोटेक्टेड कैटेगरीज इज नोन एज जब एम्प्लॉयर ये सब कैटेगरीज को लेकर उनको डिफरेंटली ट्रीट करता है ठीक है किसी किसी को अच्छा ट्रीट करता है किसी किसी को बुरा ट्रीट करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे डाइवर्सिटी इसको तो डाइवर्सिटी नहीं बोल सकते क्योंकि पहले क्वेश्चन का इसका आंसर हमारा हो गया था डाइवर्सिटी अगर एम्प्लॉयर कुछ अच्छा या फिर बुरा करे इस कैटेगरीज को लेकर इस कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर तो इसको हम बोलेंगे मैनेजिंग डाइवर्सिटी या फिर डिस्पेरेट ट्रीटमेंट और डाउन साइजिंग तो एम्प्लॉयर अगर अच्छा या फिर बुरा करे यहाँ पे अगर यहाँ पे एम्प्लॉयर कुछ ठीक नहीं कर रहा इस सब कैटेगरीज को लेकर इसको हम बोलेंगे डिस्पेरेट ट्रीटमेंट ठीक है तो डाइवर्सिटी और डिस्पेरेट ट्रीटमेंट में क्या क्या आपका डिफरेंसेस है वो यहाँ पे आप समझ जाएंगे तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन द एक्सटेंड टू विच द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज आर साइकोलॉजिकल इन्वोल्व्ड इन कनेक्टेड टू और कमिटेड टू गेटिंग दर जॉब्स डन तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके थ्रू आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो इन्वॉल्व होता हो जाते हैं साइकोलॉजिकली या फिर कनेक्ट हो जाते हैं या फिर अपने काम को कर हासिल करने के लिए वो कमिटेड भी हो जाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे एम्प्लॉय एनलार्जमेंट वर्क एथिक्स एम्प्लॉय एनरोचमेंट या फिर एम्प्लॉय एंगेजमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे एंगेज होकर रहते हैं अपने काम से तो इसको हम बोलेंगे एम्प्लॉय एंगेजमेंट ठीक है तो थर्टी सिक्स क्वेश्चन आपका क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूजेसा यूजेस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज हो रहा है टू टू रिवोल्यूशनाइज हाउ एम्प्लॉयर्स लुक फॉर जॉब कैंडिडेट्स तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज हो रहा है और यहाँ पे एक रिवोल्यूशन भी आ रहा है किसके लिए कि एम्प्लॉयर का जो आ, अपने कैंडिडेट्स को ढूंढना होता है वो कैसे वो ढूंढ सकते हैं टैलेंट मैनेजमेंट डी का मतलब डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम टैलेंट एनालिटिक्स या फिर एम्प्लॉ एनालिटिक्स तो इसको हम बोलेंगे टैलेंट एनालिटिक्स इसको हम अदरवाइज डाटा एनालिटिक्स भी बोलते हैं ठीक है डाटा एनालिटिक्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्टी सेवन क्वेश्चन डैश असिस्ट्स एंड एडवाइजर्स लाइन मैनेजर्स तो वो कौन है जो लाइन मैनेजर्स को असिस्ट करता है और एडवाइस भी देता है स्टाफ मैनेजर्स लाइन मैनेजर्स सुपरवाइजर्स या फिर स्टाफ तो यहां पर लाइन मैनेजर्स को असिस्ट और फिर या फिर एडवाइस देता है आपका स्टाफ मैनेजर्स ठीक है स्टाफ मैनेजर्स के पास आपका एडवाइस देने का क्षमता होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हु इज ऑथोराइज टू डिरेक्ट द वर्क ऑफ सबोर्डिनेट्स एंड इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर अकम्प्लिसिंग ऑर्गेनाइजेश टास्क तो इनमें से इनके पास अथॉरिटी दिया जाता है कि वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका उनको डिरेक्शन दे सके काम करने में या फिर उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क है उसको अकम्पलिस करने का उसको अचीव करने का स्टाफ मैनेजर्स स्टाफ अथॉरिटी लाइन मैनेजर्स लाइन ऑथॉरिटी तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइन मैनेजर्स तो ऑप्शन सी आपका यहां पे आंसर हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश ट्रेडिशनली गिव्स मैनेजर्स द राइट टू इशू ऑर्डर्स टू अदर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज तो वो क्या है जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है और ये मैनेजर्स को एक राइट right देता है कि वो अदर एम्प्लॉयज या फिर अदर मैनेजर्स को ऑर्डर इशू कर सके स्टाफ मैनेजर्स स्टाफ अथॉरिटी या फिर लाइन मैनेजर्स और लाइन ऑथॉरिटी तो यहां पे इसका आंसर होगा लाइन ऑथॉरिटी ऑप्शन डी ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के रिलेटेड है डैश गिव्स ए मैनेजर द राइट टू एडवाइस अदर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज तो पहले इससे पहले जो क्वेश्चन था इसका मीनिंग था क्या ये ऑर्डर इशू करता था अदर मैनेजर्स और एम्प्लॉय पर यहां पे ये एडवाइस कर रहा है उसके पास राइट right है एडवाइस देने के लिए पर ऑर्डर इशू करने के लिए राइट right नहीं है वो तो कौन है आपका स्टाफ मैनेजर्स स्टाफ अथॉरिटी या और फिर लाइन मैनेजर्स लाइन अथॉरिटी तो इसका आंसर आपका था लाइन अथॉरिटी बाकी एक बच गया है यहाँ पे स्टाफ अथॉरिटीज़ इसका आंसर है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फोर्टी वन क्वेश्चन ए ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पीपल विथ फॉर्मली असाइंड रोल्स हु वर्क टुगेदर टू अचीव द गोल्स तो यहाँ पे एक ग्रुप होता है जिसके पास कुछ भी रोल्स होता है जो कि फॉर्मली उसको असाइन किया गया है और वो एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे ए वर्क ग्रुप एन ऑर्गेनाइजेशन ए फैक्ट्री एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉयज तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एन ऑर्गेनाइजेशन इसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेन कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट देयर वर्क टू अदर कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स टू सेव मनी तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कंपनीज़ कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं अपने जो काम है उसको अदर कंपनीज़ बाहर की जो कंपनीज़ होते हैं उनको या फिर कोई अदर इंडिविजुअल्स को भी वो दे सकते हैं क्योंकि उनका वहाँ पे उस काम के लिए पैसे वहाँ उनका बच जाता है पैसे का बचत होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग आउटसोर्सिंग या फिर इनसोर्सिंग इसको हम बोलेंगे आउटसोर्सिंग तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका आंसर है तो फोर्टी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं द एम्प्लॉयज हुआ जॉब्स आइदर ऑर्गेनाइजेशनली थ्रू ए लैक ऑफ प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज और पर्सनली या फिर इंडिविजुअली थ्रू लैक ऑफ एबिलिटी और डिजायर तो यहाँ पे क्या है एम्प्लॉयज अपने जो भी जॉब होते हैं वहाँ पे स्टैंड स्टिल मतलब खड़े रहते हैं तो खड़े रहते हैं यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं है तो वहाँ पे वो एक परमानेंट पोजीशन में रहते हैं वो उनका ना प्रमोशन होता है ना ट्रांसफर होता है उन उनको कोई भी मतलब तो फ़ायदा वहाँ पे नहीं मिलता एक ही एक ही पोजीशन पे वो पड़े रहते हैं ठीक है तो उसको हम क्या बोलेंगे उसका रीज़न भी है तो ऑर्गेनाइजेशनल रीज़न भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल रीज़न है आपका प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज उनको ना मिलना और पर्सनल रीजन है उनका खुद कोई एबिलिटी नहीं है या फिर उनका डिजायर नहीं है ज़्यादा अच्छा करने के लिए तो यहाँ पे उसको हम बोलेंगे प्लेट्यू एम्प्लॉय डिस्पारेट एम्प्लॉय स्टगनेंट एम्प्लॉय या फिर स्टील एम्प्लॉय तो उसको हम बोलेंगे प्लाटिव एम्प्लॉय तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका आंसर है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कटिंग डाउन एक्स्ट्रा फैट एट ईच मैनेजरियल लेवल टू बी कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पे भी कॉस्ट इफेक्टिव का कॉस्ट इफेक्टिव का क्वेश्चन आ रहा है तो एक्स्ट्रा फैट एट मैनेजरियल लेवल कटिंग डाउन इसका मतलब क्या है मैनेजरल लेवल में एक्स्ट्रा फैट तो यहाँ पे बस लिखा है उसका मीनिंग है आपका मैनेजरल लेवल में जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज हैं उनको हम कॉर्टसार्ट कर दें या फिर उनको हम निकाल दें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को रखें तो उनको हम क्या बोलते हैं ले ऑफ या फिर रिट्रेंसमेंट या फिर डाउन साइजिंग या फिर अपसाइजिंग उसको हम बोलेंगे डाउन साइजिंग तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट एलिमिनेशन ऑफ जॉब इज कॉल्ड तो जॉब का प्लांट एलिमिनेशन भी हम उसको भी हम डाउन साइजिंग ही बोलेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पे भी आपका आंसर है डाउन साइजिंग तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर हुई ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू तो जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है पर्सनल मैनेजमेंट व्यूज पीपल एज ए टूल पर्सनल मैनेजमेंट आपका लोग को लोगों को कैसे तरीके से देखता है एक टूल की तरह एच आर मैनेजमेंट एम्स एंड पॉलिसीज डेट प्रमोट प्रोमोट म्यूचुअलिटी तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो जो भी पॉलिसीज के तरफ देखता है या फिर जो भी पॉलिसीज क्रिएट करता है उसका मेन एम होता है कि आप आपसी जो भी अंडरस्टैंडिंग uh, है उसको बरकरार रखना जो म्यूचुअलिटी को प्रमोट करना एचआर एम व्यूज़ पीपल एज एन इम्पोर्टेंट एसेट तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पर पीपल को एक इंपॉर्टेंट एसेट की तरह भी देख रहा है या फिर नॉन ऑफ दी आर करेक्ट या फिर ऑल ऑफ द आर करेक्ट तो यहाँ पे ये सारे आपका सही है तो इसीलिए आपका ऑप्शन ई e हो गया आंसर ऑल ऑफ दी एव तो दोस्तों ये था इस लेक्चर इस या फिर इस चैप्टर का एंड लास्ट क्वेश्चन तो मैं सोचता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये जो क्वेश्चन से ये आपका एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत